हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूना आशीष। आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पोर्ट्स स्टार्स से जिसने देश को रिप्रेजेंट किया हॉकी में। युवराज वाल्मीकि नाम है इनका और बहुत ही जल्द हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। मुंबई में इस समय बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है, मतलब बारिश के बारे में तो ये। हाय युवराज, इट्स गुड टू हैव यू हियर। विल जस्ट वेट फॉर सम मोर पीपल सो दे कैन कम इन। तो बारिश के हाल की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से आपको मैं बताना चाहूंगी। 162.3 मिलीमीटर रेन ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले एक घंटे में और मुंबई इज वेरी लाइकली टू रिसीव मोर रेन्स। और 3 से 4 घंटे के अंदर, मतलब ये 2 घंटे पहले की खबर है, 3 से 4 घंटे के अंदर और ज्यादा रेन्स आने की संभावना है। और इस बारिश की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई हैं क्योंकि बारिश को नहीं मालूम है कि कौन स्पोर्ट्स स्टार है, कौन आम इंसान है और कौन है जिसे शायद इस बारिश से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में युवराज की मैं बात करना चाहती हूँ। नेशनल हीरो से कम नहीं है ये। खैर, जब हम उनसे मिल रहे हैं, हम बहुत ही जल्द उनसे मिल ही रहे हैं, तब उनसे उनकी बातें जानेंगे, उन्होंने क्या क्या किया है देश के लिए वो जानेंगे। हाय शैलेंद्र जी, गुड टू हैव यू हियर। हेलो, बहुत सारी बातें। हाय रॉकी, गुड टू हैव यू हियर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन ऑफ सॉन्ग। ओके, अगेन वी आर मीटिंग और मैं फिर आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत डिफिकल्ट होता है आपका नाम मुझे प्रोनाउंस करना। ओके, सो हम जब इनसे मिलेंगे तो ये जानेंगे कि देश के लिए कौन सी बड़ी चीजें हैं। आई ऑफ सॉन्ग, आई एम श्योर दिस इज द वे आई, मैं हमेशा आपके नाम में गड़बड़ कर देती हूँ। ओके, हाय रोहित, गुड टू हैव यू हियर। और कैसे इन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, कितनी सारी चीजें इन्होंने बदली हैं। ओके शैलेंद्र जी, बेसिकली हम लोग एक स्पोर्ट्स स्टार से मिलने वाले हैं। ये हॉकी में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं जो आप और मैं हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा नाम हो सकते हैं, महाराष्ट्र के बाहर देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान हो सकते हैं। युवराज की मैं बात कर रही हूँ, युवराज वाल्मीकि, हम उनको अभी लाइन पर लेते हैं। इस बारिश की वजह से युवराज को कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। हाय, हाउ आर यू? Good, good, good to see Thank you. I hope things are fine. It's better. It's much better now. थोड़ा relief है. You're still. हाँ यार, but when we saw आपका tweet भी देखा, सब थोड़ा सा डर लग रहा था यार. It was not a very good feeling to. Yeah, I mean, no, it's very sad state of affairs. I've been into a different zone from last 24 hours. But then I just hope कि you know जल्दी से जल्दी खत्म हो and मतलब बहुत परेशान हो गया मैं। I know. So पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। Thank you. It's good. Thank you. It's a very good feeling because I generally don't cover sports, तो sports stars से मेरा seriously ऐसा मिलने की बड़ी इच्छा होती है, भी हो नहीं पाता है। तो देखिए आज मुझे मौका मिल गया। बिल्कुल, थैंक यू। सो हाउ आर यू? इट्स बेटर। आई एम अभी तो मॉम है, डैड है एंड माय एल्डर ब्रदर एंड आल्सो आई हैव वन मोर ब्रदर हु इज हैंडीकैप। सो हम लोग मतलब 5 लोग हैं घर पे अभी। ओके, सो जस्ट से थोड़ी देर पहले इंटरव्यू भी मैं कर रही थी तभी हम लोगों की बातें हम लोगों ने की थी। आप अभी भी उसी घर में हैं? अभी भी उसी घर में है। अभी तो काफी चीजें ठीक हो गई हैं, इसीलिए यू नो आई कुड कम लाइव। और बहुत सारा मतलब ऑलमोस्ट 500 टू 700 ऑफ बकेट ऑफ वाटर हमने अपने घर से बाहर निकाले। मतलब यू कैन इमेजिन हाउ मच द रेन वाज। सो मतलब बहुत ज्यादा हो गया था, बट नाउ इट्स मच मच बेटर आई विल से। तो कब से ये सब चीजें शुरू हुई और आपको कब लगा कि भाई अब खतरे की घंटी बजा देनी पड़ेगी मुझे अपने लाइफ में? नहीं तो जो प्लेस वेयर आई स्टे साउथ बॉम्बे ना, वो कभी भी मतलब वो सपने में भी हम नहीं सोच सकते कि कभी साउथ बॉम्बे में इतना यू नो बारिश और पानी भर सकता है। सो इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 12 o'clock yesterday।
12 बजे से मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो नॉर्मल जैसे बारिश गिर रही है वैसे गिरी रही थी आई थिंक, बट 2 बजे से कुछ रियलाइज हुआ कि कंपाउंड भरने लग गया बिल्डिंग का, तो एंड आई थॉट इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट नाउ, एंड देन वी स्टार्टेड टेकिंग आउट आवर थिंग्स सो दैट वी कुड प्लेस इट इन अ प्रॉपर प्लेस की यू नो जहाँ से कोई स्पॉइल ना हो, एंड विद इन अ स्पैम ऑफ टाइम यू नो द एंटायर वाटर स्टार्टेड कमिंग इनसाइड द हाउस एंड वी वर लाइक वेरी शॉक्ड, एंड पहले तो टॉयलेट भरने लग गए, फिर वो कमबोर्ड भर गया, फिर उसके बाद में वो मोरी किचन से पानी आने लग गया, एंड इट गॉट सो वर्स बाय 4 o'clock, एंड देन माई ब्रदर इज इन हॉलैंड राइट नाउ, सो ही इज एन ओलंपियन, इंडिया के लिए वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुके हैं, खेल चुके हैं ओलंपिक्स में, एंड उसने मुझे उसके कंटिन्यूस कॉल आ रहे थे, एंड ही सेड व्हाई डोंट यू ट्वीट और यू राइट टू समवन और यू कॉल समवन, आई सेड आई एम नॉट इन अ स्टेट टू डू एनीथिंग बिकॉज मैं अपने पहले फोन को बचा रहा हूँ, एंड यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग एंड सॉर्टिंग थिंग्स आउट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो माय यू नो माय कजन मतलब कजन और मतलब ही इज माय ब्रदर सो कॉल्ड ब्रदर ओनली रोहित सोलंकी जो मेरा नेबर है, सो उसने वीडियो देवेंदर को भेजा, एंड देवेंदर आई थिंक 4:30 ही उसने ट्वीट किया, एंड देन आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स आया अराउंड आई थिंक इन 1 hour की यू नो विल बी देयर, एंड देन पीपल स्टार्टेड एक ने किसी ने ट्वीट किया था कि द पीपल आर ऑलरेडी देयर एट हिज प्लेस एंड सो डोंट वरी एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ, एंड आई वॉज वंडरिंग एंड माई नेबर वॉज की यू नो देख रहा था कि ट्वीट पर रिप्लाईज क्या आ रहे हैं, एंड मैंने फिर देखा मैंने बोला लोग तो आ ही नहीं रहे तो लोग कहाँ से मतलब वो ट्वीट कर दिया, एंड देन यू नो स्टार्ट हुआ एंकल से पानी भरना स्टार्ट हुआ, एंड एक पॉइंट पे ऐसे आ गया जो मेरे जितने सब जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स थे जैसे यू नो छत्रपति अवार्ड विच इज द महाराष्ट्र हाईएस्ट स्टेट स्पोर्टिंग अवार्ड एंड जिसमें मुझे और मेरे भाई को मिला, फिर वो अवार्ड्स और मेरे जितने भी यू नो घर में जो सामान था, एंड इट स्टार्टेड गेटिंग यू नो इफेक्टेड, एंड आई थॉट अभी एक ही जगह है जो आई कैन कीप यू नो मेरे कार के अंदर, तो एंड समहाउ हम जाके अपने कार के अंदर जो सामान जाके रखने लग गए, एंड आई थिंक बाय 6:37 मेरा कार फ्लोट होके 10-15 meters आगे चला गया है मतलब रोड पे, एंड इट गॉट सो वर्स बिकॉज मरीन ड्राइव पे पानी भरना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड फर्स्ट टाइम आई थिंक एंड इतना भरना, एंड देन वी वर आई कॉल्ड अप बीएमसी लाइक ऑलमोस्ट 10-15 times, एंड द ओनली रिस्पॉन्स आई गॉट सेइंग दैट कि हम आ ही नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पर ही पानी भरा है, एंड देन मतलब आई विल डेफिनेटली से दिस दैट यू नो हमें इतने तक पानी में मैं गटर खोला हूँ बाहर का रोड का, एंड वहां पे जाके बैरिगेट लगा के, एंड मैं ताकि बिकॉज ऑल द कार्स विच वर पासिंग बाय ना सो द वाटर वॉज कमिंग इन साइड द हाउस, एंड सो आई हैड टू पुट अ बैरिगेट, यू न्यू हाउ टू स्विम इतना था कि आई विल सेव माई सेल्फ उतना तक था, बट देन एट वन पॉइंट आई यू नो आई फेल्ट दैट यू नो वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स बेटर आई गो इन साइड द हाउस अगेन और कंपाउंड में, बिकॉज कंपाउंड में सिर्फ नी हाइट तक ही पानी था यू नो, एंड तो मैंने वहां पे जाके बैरिगेट लगाना कंपल्सरी था बिकॉज वो जितनी भी कार्स पास हो रही थी ना एंड दैट वॉज लाइक 20-30 meters अवे फ्रॉम माई हाउस, तो हमको वो मेन सर्कल पे जाके बैरिगेट लगाना था, तो हम सिर्फ तीन ही लोग थे मैं मेरा बड़ा भाई और रोहित, and we had to go there and put the barricade so that the car doesn't come, somehow we stopped there ki you know sab barricade laga ke humne band kar diya, and we were telling the cars to you know divert your car because yahan par we were just saying that you know yahan par gutter bhar gaya hai because we knew ki wo pura pani idhar aa raha hai, and then the fir bmc ko jab hum complain karte to unka response ye tha ki marine drive samundar hi pani nahi le raha hai, so how can we come and help you, it's very difficult to even come and help you, so hum the fir matlab wo hope hi chhod diya humne bola forget it अराउंड 6:30 or 7 सॉरी, तो मैंने सोचा कि मैं जाके ट्वीट करता हूँ, एंड देन व्हेन आई ट्वीटेड आई थिंक एंड आई विद इन 2 hours आई स्टार्टेड ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, सॉरी, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 37,000 व्यूज ऑन ट्विटर, बट इट द ओनली हेल्प इज ऑन ट्विटर यू नो इट्स नॉट फिजिकली समवन कमिंग एंड हेल्पिंग मी कि कोई आके बोल रहा है कि आपको क्या हो गया है कुछ करते हैं, एंड देन उसके बाद में जब वो ज्यादा 6:30-7 o'clock जब हो गया था, एंड देन आई हैड टू कम इनसाइड द हाउस, आई सेड अभी घर के अंदर का पानी निकालते हैं, वी स्टार्टेड टेकिंग आउट द वाटर, ऑलमोस्ट मेरी मम्मी ने और हमने सबने मिला के ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 500-700 बकेट्स ऑफ वाटर, यू नो माई नेबर माई आंटी यू नो आंटी भी घर पे आ गई थी, माई नेबर वो अपना घर छोड़ के वी यू नो जस्ट टू प्रोटेक्ट, एंड हमारे जितने एसेंशियल चीजें थी हमको अच्छी जगह रखना था कि ताकि वो सेफ रहे, एंड देन ऊपर से मोर ओवर आई हैव अ हैंडीकैप ब्रदर यू नो इट्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन टेक केयर ऑफ हिम एंड टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो डरे तो नहीं बिकॉज़
नहीं वो यू नेवर नो, आई मीन आई डोंट, या एंड जितना मैंने पढ़ा है वो मतलब उनका ऐसा मैंने स्टेटस जितना है, पढ़ा है वो उनका स्टेटस मतलब ऐसा है कि यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो यू नो उनको समझाना और वो पानी में उसको नहीं भेजना था हमें, सो दैट यू नो बेड पर बेड स्टार्टेड फ्लोटिंग, घर का बेड स्टार्टेड फ्लोटिंग कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है. सो वी हैड टू मेक हिम सिट ऑन द बेड एंड देन यू नो समवन माय मॉम वाज सिटिंग, आई सेड यू सिट डाउन आई विल डू एवरीथिंग. फिर जितना हमने पानी बाहर फेंका था वो वापस पानी घर के अंदर आने लगा एंड देन वी थॉट बिकॉज पूरा यू नो टॉयलेट्स भर गया एंड देन हम भी आके बेड पे बैठ गए. मैंने अब करना है कुछ है ही नहीं क्योंकि गेट में भी पानी है, पानी तो वापस ही अंदर आ रहा है. एंड देन यू नो समवन कॉल्ड मी अप एंड देन मैंने पूरा यू नो विद अ हेवी हार्ट आई सेड दिस, यू नो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इन 30 years आई रिग्रेट बींग अ हॉकी प्लेयर एंड इट्स बीन 21 years आई बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 1991 एंड इट्स बीन 11 years ऑफ प्लेइंग प्रोफेशनल हॉकी एंड 7 years यू नो प्लेइंग फॉर इंडिया और अपने कंट्री के लिए 7 years खेला और यू नो 90 matches खेला कंट्री के लिए, वर्ल्ड कप खेला इंडिया के लिए. एंड फर्स्ट टाइम मेरा छोटा ब्रदर यू नो ही स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी सीइंग मी इन 2005, वो जाके जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है दैट इज ओलंपिक्स, ही प्लेड इन द ओलंपिक्स इन 2016. तो मतलब हमने मतलब ऐसा हॉकी का एक भी टूर्नामेंट नहीं है हमने जो नहीं खेला है, मतलब हमारे घर पे पूरा बायोडेटा है हॉकी का. बट देन स्टिल यू नो एंड दैट्स व्हाट आई सेड यू नो आई रिग्रेट बीइंग अ हॉकी प्लेयर, काश मैं अगर क्रिकेटर होता या फॉरगेट अबाउट प्लेइंग फॉर इंडिया, इवन अगर मैं रणजी ट्रॉफी भी खेलता या आईपीएल खेलता शायद मेरे घर के बाहर लाइन लग जाती थी, यू नो पीपल विल कम एंड सपोर्ट मी. And it's not that obviously whatever I am just because of hockey I don't criticize, but then I criticize the people and the system that you know कि हम तो ना पाकिस्तान को खेल रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे हैं, हम भी तो अपने इंडिया के लिए ही खेल रहे हैं. And you know तो उसमें कभी कभी मतलब आज first time you know feels very broken you know कि आप जब इतना कुछ करने के बाद कंट्री के लिए अपने स्टेट के लिए इतना साल, it's been 7-8 years I've been captain of Mumbai hockey team and it's been so many years I've been captain of Maharashtra team and it's very difficult you know and matlab mujhe aisa lagta hai ki when I talk about you know maine TEDx talk kiya hai, I've been the motivation speaker, my journey has been very 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 difficult and when I talk about giving motivation to people and because I'm a sportsman to main apne logo ko sports ke through hi sikha sakta hu ki aap bata sakta hu ki aap sports you know pick up karo. अब मुझे ऐसा लगता है मैं किस मुंह से उनको बोलूं कि आप स्पोर्ट्स लो, क्योंकि अगर मेरी ऐसी हालत है जो मतलब ऐसे जनरेशन पे जहां पर इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना यू नो पब्लिसिटी नहीं मिलती थी, आज के जनरेशन के टाइम पे आज का जनरेशन के लोग या बच्चे ऐसे हैं कि वो अगर स्टेट टीम से ड्रॉप होते हैं वो स्पोर्ट्स छोड़ने की बात करते हैं. एंड आई एम द वन हु हैज बीन ड्रॉप फ्रॉम द जूनियर इंडियन टीम फॉर 13 times. And still, I kept a hope of playing in 13 times. I was dropped in the junior Indian team from 2008 to 2009 end. Continue 13 tournaments. तब आपको आपका दिल नहीं दुखा? दुखा था, but वही था कि जो मतलब हमारे मेरे जो घर की पहले की कहानी है ना कि 40 years, you know, we have stayed without electricity, no water connection, no toilet. We have stayed in a house 10 by 10 square feet के घर में जिसमें हमारे घर में दरवाजा भी नहीं था. We had curtain for 40 years and मैंने वो personally experience किया है till 2011 I was 21 years old. So मतलब इतना गरीबी देखा है तो इसलिए हमको कभी tension होता ही नहीं है कि मतलब no what's going to happen, क्या होगा, life will take a unfold up, you know I won't be able to do this, I won't be able to. So we haven't cried about the fact that you know we are poor. So when I used to get dropped or when I picked up the hockey stick for the first time 1999 में बस एक ही उम्मीद था कि you know एक दिन वो छाती पे तिरंगा पहनना है, अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, टू मेक आ इंडिया प्राउड. आई थिंक दैट वाज द ओनली मोटो एंड आल्सो थॉट प्रोसेस ये था कि इन द जर्नी ऑफ यू नो रिप्रेजेंटिंग इंडिया आई हैव टू ब्रेक दिस चेन और बैरियर, आई हैव टू ब्रेक दिस बैरियर ऑफ बीइंग पुअर यू नो. सो आई हैव सीन द स्ट्रगल, आई हैव सीन एवरीथिंग इन माई लाइफ एंड इट्स बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी. सो वेन यू नो इट्स अ सेंसेक्स यू नो कि आप गरीबी से ऊपर आते हो फिर नीचे आते हो, फिर इतना नीचे आ जाते हो कि वापस उठना इट्स यू नो टाइम्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एंड देन प्लेइंग अ स्पोर्ट व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन अ कंट्री दैट हॉकी इज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड बीइंग द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया कि इतना यू नो लोगों को उतना सम्मान नहीं मिलता है. थिंग्स आर चेंजिंग नाउ फॉर श्योर बट देन यू डोंट गेट द रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन एज द अदर स्पोर्ट्स गेट.
with due respect to the other sports, but then it is the situation of our country right now. Because, you know, when we see all the hockey players who have done fantastically well in so many years, right from Dhanraj Pillai to the players like, you know, Srijesh or, you know, SV Sunil, or you name the players, we have bigger stars in country right now. But the problem is, you know, the recognition. I want personally, even we as a hockey player, even we go and represent our country, we want, and personally I want, ki hum kahin par bhi jaye, we want ki hum jab log raste par chale hockey player, unko bhi log pehchane, unko bhi utna recognition milna chahiye, unko utna respect milna chahiye. And you know, isiliye, you know, it feels very sad and disappointing that, you know, itna support nahi milta humko. अच्छा युवराज, आपने इतने समय तक देश को रिप्रेजेंट किया, आपने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं. आपसे जब मैं बात भी कर रही थी, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड बाय योर अचीवमेंट्स. फिर ये ऐसा, आई मीन सर्टनली यू हैव गॉट दैट चांस वेयर यू कुड चेंज, यू कुड शिफ्ट योर हाउस फ्रॉम मरीन लाइन्स टू सम अदर प्लेस, मे बी अंधेरी या फिर मे बी सम अदर प्लेस. तो तब आपने सोचा कि मुझे घर चेंज करना चाहिए? नहीं, प्रॉब्लम क्या हो गया था कि यू नो ऑब्वियसली लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मॉनेटरी वाइज वी डोंट गेट एज मच एज द अदर स्पोर्ट्स गेट, एंड ऑल्सो द डिपार्टमेंट विच वी गेट इन टू द डोमेस्टिक लेवल, वेदर इट्स रेलवेज और बीपीसीएल और पेट्रोलियम कंपनी, एट टाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट. एंड देन इन 2011 यू नो व्हेन इंडिया वन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन 2011, सो हम जब जीत के आए थे, एंड आई वॉज द ओनली प्लेयर फ्रॉम महाराष्ट्र टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन टीम. एंड उस टाइम मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वी विल गिव अ हाउस टू युवराज वाल्मीकि एंड अ ग्रेट टू ऑफिसर जॉब, एंड इट्स इन सेप्टेम्बर नेक्स्ट मंथ आई विल कम्प्लीट 9 years ऑफ द अनफिल्ड प्रोमिस. सो तो वो प्रोमिस अभी तक 9 साल हो गए, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द हाउस विच वॉज अनाउंस बाय गवर्नमेंट. एंड सो यू कैन इमेजिन, मतलब 9 years इतना, you know, ऐसा नहीं है कि I have not followed up. I have followed up with every single government who have come in. I have been to Mantralaya 10 to 20 times asking that, you know, अभी तो दे दो. But then एक ही चीज जो सुनने मिलती है कि it's under process. But I don't know the process. ऐसा पता नहीं मुझे क्या घर दे रहे हैं या बंगलो दे रहे हैं, I don't know. It's very very sad state of affairs, you know, कि मतलब ऐसे state में है जहाँ पर हमें. Obviously, I'm proud to be, you know, a Maharashtra boy. I've been proud of being a Mumbaikar. But then I'm not happy. Let's put it this way. I'm not happy with the things right now. I have been appealed to a lot of people, right from the top level to the ground level. But, you know, and I really hate the fact that, you know, ki I don't want social media support. I want physical support, you know, ki aap saamne aake madad karo. It's not, you know, ki सोशल मीडिया पे बोल दिया या इंटरव्यूज में बोल दिया दैट आई एम देयर फॉर युवराज, आई एम वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू नो. एट वन पॉइंट वो एक होप रहता है कि अब होगा. इमेजिन 9 years, बट स्टिल वो हिम्मत नहीं हारी है. सो आई एम बीन स्टिल, यू नो, कि पीछे पड़ाऊ कि अब तो घर दे दो. एंड आज जो, मतलब कल जो सिचुएशन मैंने अपने घर पे देखी, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अभी तो जब जब बारिश होगी तो घर के अंदर पानी आते रहेगा, और कब तक हम यू नो इसको संभालते रहे. और हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं टू द यंगर जनरेशन. इफ यू गो टू महाराष्ट्र, आई कैन राइट ऑन अ स्टैम्प पेपर एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, 85% और प्रोबब्ली 90% ऑफ द हॉकी प्लेयर्स, एटलीस्ट अ लैक ऑफ पीपल प्लेयर्स प्ले हॉकी, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, इफ यू आस्क देम, दे वांट टू बिकम लाइक मी एंड आई एम देयर आइडल, आई हैव बीन द मेंटर ऑफ देम, यू नो, दे लुक अप टू मी. But what actually I'm doing it, you know, it's agar main ki agar wo log bhi sochte honge, wo log bhi social media pe, so when they think and when they see, and wo bhi sochte honge ki, you know, ki jab Yuvraj ko itna naam hone ke baad bhi agar isko kuch nahi mil raha hai, hum to kuch nahi hai, humko kya madad milegi. So how can I influence the younger generation to play any sport, forget about hockey or about any sport for that matter? I can completely understand, yeah. Yuvraj. It's not easy to become something and then facing the same problem जो किसी भी शख्स को होती है. But seriously, एक तो थोड़ा सा आपका ध्यान हटाना चाहूंगी. मैं आपके achievements के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ. Because when I was reading and I was studying and doing my research, my homework on you before coming,
आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड देन आई स्पोक टू यू सो आई वॉज मोर देन हैप्पी कि चलो हम एक बहुत बड़े पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं. जो हुआ वो मुझे भी दुख होता है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. बट हियर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट योर अचीवमेंट्स. फर्स्ट शेयर दैट ऑल्सो विद. आई थिंक achievement, I think it's many more to come. I will put it up this way with all honesty and modesty ki abhi bahut kuch achieve karna hai. Jaise main abhi bhi jab you know jab bhi hum matches ke liye domestic level pe jab khelte hain ya main German league khelta hu to main hamesha ghar pe bolta hu ki jab main bag leke jata hu main bolta hu mere bag ke andar abhi bahut goals hai aur mujhe abhi goals aur marne hai. So I think there is lot more to come from the achievement side, but you know these achievements have never driven me to anything. Obviously, I feel happy. लोग जब तारीफ करते हैं, लोग मेरे बारे में स्टेटस रखते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग जब इतना प्यार देते हैं, तो obviously it's a good feeling. But at the same time, it has never ever driven me to कि you know बहुत सब कुछ achieve हो गया. Because मुझे ऐसा सब लगता है, these the name, fame, money, it is all materialistic things. आज है, कल नहीं रहेगा. And which I feel that I want to be a good human first. This is what I work for every day. And I still say this because whenever I play any matches or, you know, people, a lot of people ask me, you know, who's your competitor? I said, there's no competitor. Mera competition mere apne aap se hai. I want to get better each day. That is the most biggest and the most positive sign about me, that mera koi competition nahi hai, which I kabhi kabhi main aise modesty mein bol deta hu ki I'm the best. The reason I say that I'm the best because it's been 21 years of playing hockey. अगर मैं आज भी अगर अपने आप में अगर ये विश्वास नहीं रखूं और मैं अपने आप को अगर ये विश्वास रख के ये नहीं बोलूं कि that I am the best, so I think फिर वो भरोसा ही नहीं है क्योंकि आप इतने साल मेहनत कर रहे हो. तो अपने आप पे वो सेल्फ बिलीव, आई थिंक दैट इज द की पॉइंट इन माई करियर. मैं हमेशा से अपने आप में बहुत बिलीव करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ एंड आई एम द बेस्ट. तो आई एम द कॉम्पिटिटर ऑफ माई सेल्फ. And I try to become better. And then achievements ki baat rahi, toh of course, I mean, main jo bolne ko bhi aisa kuch ajeeb lagta hai, but then yeah, when you ask, so it's like, I've like played 7 years for the Indian team. I've played 90 matches for India, including the World Cup, Champions Trophy, and all the major tournaments apart from Olympics. I'm the only Indian hockey player to play in the German Hockey League for 8 years. And I'm the only Indian hockey player to do a reality show called Khatron Ke Khiladi, Fear Factor. Exactly. And then I'm the only Indian to do a TEDx talk. So, and maybe the first one. So I've done a lot of things and I keep exploring myself. And I keep doing my best, which I can inspire the younger generation. Certainly. आपसे बातचीत करते हुए जो चीज मुझे बहुत अंदर तक महसूस हुई, that was the kind of स्ट्रगल एंड द काइंड ऑफ चैलेंजेस जो आपने फेस किए. कितना डिफिकल्ट था उन सब चीजों को पाना, क्या आप उसके बारे में कुछ शेयर कर सके, बता सके दूसरे लोगों को जो देख रहे हैं? ऑब्वियसली इट वॉज डिफिकल्ट एंड आई फील सभी के लाइफ में अपनी अपनी खुद की एक स्ट्रगल होती है. सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है एंड कोई बोलना चाहता है, कोई नहीं बोलना चाहता है. बट देन ऑब्वियसली आई हैव स्टेड इन अ हाउस, एज आई सेड, यू नो 10x10 स्क्वायर फीट के घर में 21 साल तक रहना, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, ना वॉटर था, ना टॉयलेट था. तो ऐसे स्ट्रगल्स के बाद यू नो टू कम अप एंड गो एंड रिप्रेजेंट अ कंट्री, यू नो इतनी बड़ी आबादी में वो टॉप 18 में टीम में जगह बनाना और 7 साल इंडिया के लिए खेलना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द फैमिली. एंड ऑब्वियसली स्ट्रगल तो बहुत रहा है. एट टाइम्स वी हैड टू स्किप मील्स सो दैट यू नो हम लोग दूसरे दिन का सोच सके. सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स इन माय लाइफ, बट वन थिंग व्हिच हैव केप्ट मी गोइंग इज दैट प्रॉब्लम्स तो यू नो इट विल कीप कमिंग एंड गोइंग. सो what makes me more different from others is that मैं कभी भी hope नहीं छोड़ता हूँ. And इसीलिए आप imagine कर सकते हो कि जो एक लड़का 9 साल से जो घर का wait कर रहा है, वो अभी तक मतलब वो hope छोड़ा नहीं है. So I am a person who never gives up and I keep making sure that you know I will overcome the problem. And जो कल की भी जो problems थी, now आज के date में मतलब आज के पूरे दिन में they have been पूरे news channel पे वो लोग they have been putting the my videos and everything. And I felt ki maine ye bola bhi ki it's not about me anymore, it's about my family, because my family has stayed taken care of me for 40 years. Jab unhone us struggle se dekha hai utna itne musibat se they have come to at this stage, I want to give them a luxurious life. At the rest 40 years I want to make sure that whatever they have to sit and eat, that's it. And whatever things they point fingers at, वो उनकी होने चाहिए. तो इसीलिए मैं मेहनत करता हूँ.
एंड जब कल जब व्हेन आई सॉ यू नो माय मॉम माय डैड आई फेल्ट वेरी बैड यू नो कि एक हॉकी प्लेयर को ऐसे ट्रीट नहीं किया करना चाहिए था और यू नो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी सैड टू इवन नो दिस दैट यू नो कि मतलब ये सब चीजों के बाद मतलब लोगों को बहुत आसान है बाद में उसके बाद में मैंने आज ऐसे सुबह में सिर्फ ट्विटर चेक करा था देयर वर लॉट ऑफ पीपल राइटिंग सच नेगेटिव थिंग्स यू नो कि कोई कह रहा था कि बी हैप्पी दैट टुडे इज मोदी हैज गॉन टू अयोध्या देयर आर द ट्वीट्स लाइक दैट एंड यू बी हैप्पी दैट राम हैज स्पेंड 14 इयर्स इन वनवास विद सो मच स्ट्रगल एंड यू कैन स्पेंड 1-2 days इन दैट स्ट्रगल मतलब यू नो एंड सम पीपल सेड you know if you talk like this they will quarantine you for 14 days and you know some all that it's very creepy and I feel you know sitting at home and writing this until and unless knowing my kahani ki hum main kahan se kahan pahuncha hu so I don't think so anyone has the right to even say that ab log sirf mujhe pani ka ki are uske ghar mein pani bhar gaya बट ये पानी भरने के पहले की जो कहानी है जो 21 साल जो लड़का कैंडल लाइट में अपने प्रे स्टडीज कंप्लीट किया है ग्रेजुएट कंप्लीट किया है उसके बाद में एक वक्त का खाना नहीं खाया है जो यू नो कभी भी इन 21 इयर्स घर के अंदर नहीं सोया है आई यूज टू स्लीप आउटसाइड इन द कंपाउंड बारिश के टाइम पर आई यूज टू रैप माई सेल्फ इन तार पत्री एंड स्लीप अंडर द एसी आउटपुट बिल्डिंग के अंदर सो मतलब ये किसी को नहीं पता So, you know, it's very, very difficult. People can talk and at times, you know, aisa bahut dukh hota hai, you know, ki log kaise comment kar dete hai, aise, ki kisi ka history jane bagar. Aur jaise mujhe bhi ab itne Instagram pe log aate hain, message karte hain, sab kuch. But, you know, I feel no one has the right to judge anyone until and unless you don't know the kahani ki aapke uske kahani kya chal rahi hai. So, it's very, 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 very sad ki, aur aise aise, matlab, bure bure tweets dekhna, kisi ek ladki ne likha tha ki, Be happy, the water is still clean. अच्छा हो गया तुम लोग को ये गलत मतलब ये गंदा पानी तो नहीं देखने मिल रहा है तो मैंने बोला कि it's you know I'm not even complaining. It's just that and it is my right being a citizen of our country that I have to ask for help. And उसके ऊपर से अगर एक छोटी सी हमारे बीच में एक ऐसे व्यूअर हैं जिनकी भाषा से मुझे सख्त आपत्ति है कृपया आप इस चैट से नीचे लिख रहे हैं लव यू डार्लिंग उसके पीछे से उन्होंने जो पहले से गाली देना चालू किया सो यू नो लेट्स डू अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम पीयूष डॉट पिलाने आपको अगर किसी से प्रॉब्लम है तो प्लीज अच्छे शब्द में बताइए बताने में मनाही नहीं है लेकिन इस तरीके से अगर आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा मैं बात कर रही हूँ ये मेरा शो है और आपको कोई हक नहीं बनता इस तरीके की बातें करने के लिए वो एक नेशनल स्पोर्ट्स स्टार है वो एक नेशनल वेबसाइट के लिए बात कर रहे हैं इंस्टा पर हम बात कर रहे हैं आपको तकलीफ है आप प्लीज निकल जाइए यू आर नॉट सपोज टू यूज सच काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हेन आई एम गोइंग लाइव विद अ स्पोर्ट्स स्टार आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर No, we can definitely we'll report this account later on after the chat. But then that's what I said. No, you know, we were just talking about this, and this happens. You know, it's very easy to point fingers. You know, लोगों को कितना आसान है बैठ के घर पे और लिखना. मतलब वो जो इंसान जो चीजों से गुजर रहा है, मतलब you know it's now I मतलब you know now it got me more you know broken. कि you know अभी and it's live right there, and you can see. Like all this while I was talking about Twitter pe already there are replies there that people say you know be happy it's a clean water and then Ram ne 14 years vanvas mein nikala we all are bhakts and we all respect every religion but that doesn't mean that you're comparing me with Ram ki aap ek do din pani mein nahi nikal sakte fir matlab aise aise bhayankar replies hai na it's very very disturbing it's very disturbing fir koi log keh raha hai ki you know Seeing your status, I think Maharashtra government will give you a free haircut. And I don't know, I don't understand. Kya logic kya hai isme? So it's very disturbing, you know. Imagine, matlab, you know, there were a lot of people. It's a social media, and you know, as I said earlier, mujhe apne naam se ye, I've never driven about all these things. But then you know, being someone who 1.3 billion mein jaake agar एक लड़का अपने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करता है अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो
तो बुरा भी मत बोलो. एंड नो वन इज आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट एंड आई एम नॉट इवन आस्किंग यू टू कम इन दिस लाइव चैट और इवन टॉक एंड टू लिसन टू योर बुलशिट. यू नो वी आर नॉट हियर टू लिसन टू एनीवनस बुलशिट. No, certainly it's disheartening and I think again Yuvraj, एक भाषा का इस्तेमाल तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा जब आप किसी से भी बात करें. Forget about you and yeah. me, but even आपको लगता है ये जो एक जनरेशन का एक तबका है, एक ग्रुप है जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है rather than giving maybe a way out or being a positive thing. So when आप टेट टॉक्स में भी बात कर चुके हैं, स्पोर्ट्समैनशिप तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत अच्छा इमोशन होता है जब स्पोर्ट्समैनशिप हो या देशभक्ति हो या देश को रिप्रेजेंट करने वाली बात होती है. तो इन सब चीजों को, नेगेटिविटी को हम कैसे दूर भगा सकते हैं, आपसे इसलिए भी पूछ रही क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ. दूसरा इसलिए भी पूछ रही क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं वो सर्टनली कल आपने जो मंजर देखा वो बहुत अच्छा मंजर देखा. हाउ डिड यू मैनेज? See, negativity is going to be there for sure. But, you know, when, for example, when it comes to, let me put this in pointers wise, ki, jo, for example, social media pe jo cyber bullying hai, or, you know, when the people abuse, these are the people, matlab, it's not about me. Kal utke, koi bhi aam insaan ho, bhale unke ek followers ho, aapko unka bhi hak nahi hai ki aap unko gaali do. I think these are the people they need to actually, complain, report the account, complain to cyber, go to the police. And these people, until and unless ये लोगों को, जबकि आज की generation को अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करोगे, because एक social media, मुझे ऐसा लगता था जब initially इतना famous होने लग गया social media, it's a very good medium to actually go out and अपने voices, you can go out and reach out to a lot of people. But सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. And you know, to negativity फैलाना, मैं वही कहता हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी मत करो. It's very simple. अगर आप कोई किसी को आपको पर्सनली तो मैं मैसेज करके या किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे लाइफ पे आ जाओ मुझे इतने व्यूज दिखाने, तो कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है. इट इज योर पर्सनल चॉइस. इफ यू वांट टू कम, कम एंड बी रिस्पेक्टफुल. इफ यू डोंट वांट टू कम एंड यू नो यू डोंट कम, इट्स मतलब किसी, ऐसा नहीं है कि आपके आने से मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे या कुछ. सो यू नो एंड ऑल्सो दिस नेगेटिविटी ना, पहले तो हमारे कंट्री से नेगेटिव पीपल को, लोगों को वो सबक सिखाना बहुत जरूरी है. And you know it's very important. And second thing is, and unko sahi disha dikhana bahut zaruri hai ki whatever you're doing, make sure unko make sure bat karna hai ki whatever it is absolutely wrong. Punish them for their act. You need to punish them for their act. Then only there will be a time that people will start. And you know, being a guy, if they can abuse, I have a lot of TV friends from the industry. I have seen on their chats people abuse, they body shame. You know, they call them so and so on and forth. It's very bad. And it's, I mean, मुझे नहीं लगता है कि, and you know, मैं उनको नहीं blame करता हूँ, उनकी परवरिश को blame करता हूँ. तो उनकी परवरिश ऐसी है. अगर you know, whatever happens in the family, and मैं हमेशा ये बोलता हूँ बहुत सालों से कि education it's not taught in the school, it is taught in the house. Education only gives you knowledge. That's it. Knowledge about history, geography, that's it. रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम फैमिली. अगर आपका घर से एडुकेशन सही है, मैं तो बोलता हूँ अगर आप बच्चों को अगर पूरे जिंदगी भर स्कूल नहीं डालोगे, इवन इफ यू गिव देम अ न्यूज़पेपर टू रीड एवरी डे, ही कैन स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश मोर देन अ एमबीए और एनी वन. सो यू नो एडुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक चीज आपसे पूछती हूँ. मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ ऑन फोन ऑल्सो एंड ऑन लाइव ऑल्सो, मुझे आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी लग रही है और आपकी हिंदी भी बहुत क्लीन लग रही है. Thank you. आपने क्या पढ़ाई की है जो इतने परफेक्टली आप लोगों को अपनी बातें समझा पा रहे हैं? आई थिंक कोई कोर्स किया है तो नहीं, कोई कोर्स नहीं किया है. आई मीन यू नो ऑल थैंक्स टू माय फैमिली कि मतलब मैंने आज भी इतनी कहानियां मैं सुनता हूँ, जैसे कि कोई भी एक लड़का अगर स्पेशली इन अ सिटी लाइक बॉम्बे यू नो अगर जब वो पैदा होता है तो मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे हॉकी कलीग्स भी जिसके माँ बाप यही कहते हैं कि यू नो बेटा दसवीं तक पढ़ाई करो एंड छोटा मोटा पी उनका नौकरी करो एंड देन घर संभालो. बट यू नो आई ओनली वांट टू गिव क्रेडिट टू माय फैमिली विच दे नेवर रिस्ट्रिक्टेड इन माय ड्रीम्स एंड प्लेइंग अ स्पोर्ट विच इज नॉट सो फेमस इन अ कंट्री. उनके लिए मुझे हाँ करना, मतलब 1999 में जब मैं 10 साल का था तब हाँ करना, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना, मेक श्योर दैट हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करें. सो आई थिंक यू नो everything has I think time has taught me a lot of things more than anything. So I think
टाइम हैज मतलब वो एक जो एज होता है लोगों का, मैं आज के टाइम पे देखता हूँ कि 18 to 22, 24 इयर्स होता है कि वो लोग सब कुछ करना चाहते हैं, whether it's party, having girlfriends, going out, drinking, smoking. I think I'm very. Do you have a girlfriend? No, I'm very much single. So I think I'm very. So I think I'm very fortunate that I in that period ki main apne country ko represent kar raha tha, and I was working hard to make sure that my family comes to a very good position and break the barriers of being poor. So I think yeah. So isliye shayad meri English theek tha gaye. Acha, to sharma rahe hain aap, mujhe batai, who is your favorite actress? My favorite actor, there are a lot of there's nothing as called favorite, but then ha mujhe I think sare actors acche lagte hain. I think wo bhi ek difficult part hai act karna, but then I think agar sabse important aur sabse matlab favorite kahe to I think Deepika Padukone for sure. I think the love, the way she handles. I'll tell her. Yeah, you have to. You have to. That one. The next time we meet her, I'll tell her that you are a big fan. Yeah, please do that. अच्छा एक किसी ने एक सवाल भी पूछा, कभी आपको ये दिल में ख्याल आया कि आपको ये देश छोड़ के किसी और देश में सेटल डाउन हो जाना चाहिए, शायद वहाँ हॉकी बहुत अच्छे से खेली जा रही हो, या वो जिस तरीके का आप अपने दिमाग में सम्मान लेकर चाह रहे हैं, जो रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, शायद किसी और देश में मिल जाए? आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऑलरेडी कनाडा के दे आर रेडी टू गिव मी ग्रीन कार्ड, दे आर यूएसए इज रेडी टू गिव मी ग्रीन कार्ड, बट देन वो कहते ना कि अभी वो ऐसे बोल देता हूँ, 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत मान, वैसी कहानी है. सो आई नो मैटर व्हाटएवर सेड एंड डन, आई एम स्टिल प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड तिरंगा पहना है तो कभी धोखा नहीं देंगे. तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली बी इन इंडिया एंड बी इन बॉम्बे एंड बी विद माय फैमिली. नहीं, आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन कंप्लीटली रिलेट, क्योंकि जब आपको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत या इंडिया या हिंदुस्तान कहा जाता है, तब आपका इमोशन ही अलग हो जाता है. सो आई कैन कंप्लीटली रिलेट विद दैट इमोशन. एक चीज जानना चाहती हूँ, आपके लिए जो घर है उसकी क्या परिभाषा है? आई थिंक it's very important to have a house, and it is more important, I think, ghar se zyada ek family hona bahut zaruri hai, where aap peacefully reh sako. Ghar chahe kitna bhi bada ho, darwaze to chote hi hote hain. So you know, that's what mera bahut believe hai ye cheez mein. And paribhasha ye hai ki agar obviously jo ghar agar mil jaye, to jitni problems jo hum abhi face kar rahe hain, jo back of the mind jo hum ground pe hote, jo cheeze sochte hain, wo cheez ke liye mehnat karte ki kaash hum paise kamaye aur humko ye 10x12 के घर से हम 1 BHK या 2 BHK या 3 BHK में शिफ्ट हो, तो वो अगर चीज जो गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस की अगर वो पूरी हो जाती है, तो आई थिंक 80% ऑफ जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा, कि वो जो टेंशन है माइंड में कि वो कम हो जाएगा. आई थिंक वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा. अच्छा, आज इस मौके पर सच में अपने बड़े भाई, छोटे भाई, मम्मी और पापा, इन चारों के लिए आपके दिल में जो जो भी बात वो कह दीजिए, क्योंकि यू नेवर नो आप किसको क्या एक इंस्पिरेशन देकर चले जाएं. आई थिंक मतलब वो लोग मुझे पूछते हैं कि सबसे दुनिया में सब अगर इस चीज को खो दिया या इस चीज को अगर यू नो पा लिया, आई थिंक दुनिया में सब चले जाएगा ना. मुझे जैसे मैंने बता रहा हूँ कि कल जैसे सबसे बारिश थी, अगर मेरा घर भी बह जाता था ना, मुझे फर्क नहीं था, क्योंकि मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग, आई एम अ फाइटर, आई एम अ वॉरियर, मैं फिर से खड़ा कर लेता, सब कुछ चला जाए. आई थिंक फैमिली शुडन्ट गो, दैट इज व्हाट मेरा मानना है, एंड विच इज आई स्ट्रांगली बिलीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, माय मेरे ट्रॉफीज चले जाएं, बह जाए, मेरा नाम शोहरत निकल जाए, सब कुछ चले जाए, आई विल रीबिल्ड एन एम्पायर फॉर इट, बट देन फैमिली में से अगर कोई चला गया तो आई कैन गेट देम बैक. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओह, दैट्स ब्यूटीफुल. चलिए, मम्मी की खासियत बताइए. आई थिंक एक तो नहीं है, आई थिंक वो यू नो माँ शब्द में ही एक वही एक कॉम्प्लीमेंट है, एंड वो हमेशा ही रहेगा. कि जैसा मैंने हमेशा बोलता हूँ कि एक डैड मॉम के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना हम आज महके महके घूम रहे हैं, वो सिर्फ महकने की खुशबू नहीं है, वो हमारे माँ बाप के पसीने की खुशबू है. सो आई थिंक दैट्स वेरी यू नो. So it's like, you know, a lot of people say. Yeah, आपने तो emotional कर दिया. So I think, yeah, then that is what, ये मेरा strong believer. मतलब बहुत बार मैंने ये बोला है कि जितना मतलब लोग कहते हैं कि I wear good clothes, I wear this, I wear good suits, and I look good and everything.
तो मैं वही कहता हूँ कि मतलब जितना भी हम मैके मैके घूमते हैं ना, इट्स हमारे माँ बाप के पसीने की खुशबू है. सो उनके जो हार्डवर्क से आई थिंक वो स्पार्क आया है, एंड हम ये स्पार्क को जिंदा रखेंगे टू दी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वाल्मीकि फैमिली. डेफिनेटली डेफिनेटली. और साथ ही में कई बच्चे आपके सामने अब आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे इनफैक्ट, अलग अलग एज ग्रुप के. उनको अभी भी कंफ्यूजन होता है कि वो क्रिकेट ले या हॉकी ले. सर्टनली यू कैन नॉट कंपेयर टू स्पोर्ट्स, जिसकी जहां जो अहमियत है उसकी वो है. अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप एक जनरेशन को समझा सके हॉकी की इम्पोर्टेंस, तो क्या समझाएंगे आप? मैं जनरेशन को नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा सबके पेरेंट्स को. आई थिंक आज के टाइम में अगर इंडिया को इफ दे वांट टू बिकम अ स्पोर्टिंग कंट्री, दे नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट. एंड जो ग्रास रूट की जो एज है वो है 6 इयर्स 7 इयर्स. आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है. आपको अपने उनके पेरेंट्स को जाके कन्विंस करना कि आपके बच्चों को, और मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि मेक स्पोर्ट्स अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द स्कूल इन द होल कंट्री. ही और शी हैज टू टेक अप एनी स्पोर्ट एंड प्ले एन आउटडोर स्पोर्ट, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू गो एंड रिप्रेजेंट द कंट्री. आई फील द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दे विल लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, दे विल बी डिसिप्लिन, दे इवन इफ सो मेनी फेलियर्स कम्स इन देयर लाइफ दे विल स्टिल गेट अप एंड फाइट फॉर दैट, सेइंग दैट आई एम अ फाइटर, बिकॉज स्पोर्ट्स टीचेस यू टू फाइट. सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक स्पोर्ट्स को कंपल्सरी एक सब्जेक्ट बनाओ हमारे एजुकेशन सिस्टम में. एक 45 मिनट्स पीटी करने से अच्छा है कि कोई भी लड़का या लड़की आउटडोर स्पोर्ट्स खेले, एंड स्पेशली अगर हो सके तो टीम गेम खेले, जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटी सीखने मिलती है, आपको फेलियर्स झेलने कैसे आप उसको ओवरकम करते हो, यू कैन बाउंस बैक इन योर लाइफ, यू इवन इफ यू लूज समथिंग यू कैन स्टिल फाइट बैक. सो आई थिंक प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड मेकिंग अ पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि आपको बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाना बहुत जरूरी है. आज शायद इतने सालों बाद आई थिंक हमारे जो भी पैंडमिक आई है, आज लोग फिटनेस की तरफ दौड़ रहे हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप सर्वाइव करोगे. तो मैं इट कम्स टू द सेम थिंग दैट इफ यू प्ले स्पोर्ट यू आर गोइंग टू बी स्ट्रांग, यू आर गोइंग टू बी हेल्दी, यू आर गोइंग टू बी फिट, एंड यू आर गोइंग टू बी फाइन, यू नो. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले अ स्पोर्ट. That's beautiful. ये रेन ने तो बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है. इस 2 दिन ने आपको क्या सिखाया? You know, I feel like talking to you. I feel like I should ask this also. That yeah, also. Yeah, please go ahead. Please. हम जाए तब भी. कोई बात नहीं. And I'm a good. मैं अच्छा आंसर देता हूँ तो कोई टेंशन नहीं है. I know. तो आई थिंक ये 2 दिन ने ये सिखाया है कि जैसे मैंने अपनी कहानी जब कल बताई थी, फिर उसके बाद में मैंने जब रात में दूसरे लोगों के वीडियोस देखे, आई थिंक कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को ये मत समझना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आई थिंक हमसे ज्यादा लोग ज्यादा प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं. एंड आई स्टिल फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड कि एटलीस्ट हम अपने घर में एक छत में रह के 2 रोटी खा सकते हैं. And there are people out there on the streets which don't even have shelter, they don't even have food. So gratitude is my attitude. That is what I will say. That's beautiful. यार आप seriously TED Talks में गए हो तो आपके पीछे बहुत लंबी line लगी होगी. So it's really nice and humbling experience to talk to you. Thank you. And thanks a lot. आपने इतनी सारी बातें की हमसे. Thank you so very much. It was really nice talking to you and have you on Instagram. Thank you. It's all my pleasure, and I wish and I hope that, you know, a few people will get inspired by this and make sure that you're healthy, you're safe, and take care of you and your family. That's more important. Thank you. Thanks a lot for inspiring all of us. Thank you so very much. Bye-bye. Bye. ओह, कोई स्पोर्ट्स स्टार कैसे बन जाता है कोई दूसरे से. आई मीन एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड की बात होती है स्पोर्ट्स में, टीम स्पिरिट की बात होती है, और जाने कितनी सारी बातें युवराज से हम कर रहे थे. बहुत सारी चीजें सुनने समझने में इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कितनी आसान है चीजें अगर हम सोच रखे तो. जाहिर है जो वादे किए हैं युवराज बोल ही रहे थे अपने दिल की बात. आई होप लोग उसे देख के समझे, सरकार भी देख के समझे, और ऐसे कई लोगों की मदद करने के लिए कई सारे लोग आगे आए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले.
फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही, हम फिर जुड़ेंगे और फिर कुछ नई बातें करेंगे. थैंक्स लॉट.